गाइस फाइनली यहाँ पे अमित भाई यहाँ पहुँच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे और हम लोग साकिब भाई फोन चार्ज में लगाए हुए हैं। अब जो है हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं मिथिला एक्सप्रेस का जो कि काठगोदाम से सॉरी रक्सौल से चल के आती है। और देखिए भाई साहब कैसे सैड है एकदम। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइज अभी मैं मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एंड में हूँ और गाइज देखो अभी इधर से मालगाड़ी आ रही है और मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंत में हूँ और गाइज इधर जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 है जो कि इसका अभी एंड होने वाला है आगे जाके क्योंकि वहाँ से शुरू होता है और इधर एंड होता है। और गाइज प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बगल में तक 7-8 है और गाइज अभी देखो इधर मालगाड़ी आ रही है। देखो मैं आपको इसका सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। आशिक रहना आशिक रहना ओ सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। सो गाइस अभी जो है कि शाम के 1:30 बज चुके हैं और गाइस अभी आ रही है मिथिला एक्सप्रेस जो कि अभी आने वाली बहुत ही पीछे आपको शायद दिख रही होगी। तो गाइस मिथिला एक्सप्रेस से मैं अभी ढोली जाने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग का थंबनेल मैंने सोचा कि ढोली टू सॉरी मुजफ्फरपुर टू ढोली रखूँ और ये देखो ट्रेन में सफ़र करने के बाद कैसा फील आता है सो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और गाइस चलो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ एंड मैं अभी ढोली के लिए निकलता हूँ गाइस। तो ट्रेन आ चुकी है अब ट्रेन से निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ उसके बाद आपको ढोली पहुँचता हूँ तो वहाँ पे ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे आपको ट्रेन के सिनेमैटिक्स दिखाना और ट्रेन के सिनेमैटिक्स बनाना यानी की होता है। तो गाइस ट्रेन में ब्लॉग बना रहा हूँ तो बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा होगा तो चलो मैं आपसे ढोली बात करता हूँ। नाच नचा दे ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन कैसे तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। तुझे वादे दिए कितने वादे दिए तेरी आज दाए रात राय तेरी आज दाए रात राय कुछ जूली लीव लीव दिन तेरे किड धा 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 कुछ जूली दिन तेरे किड धा।